कोरोना महामारी के बाद एक नई बीमारी का खतरा फिर से सताने लगा है। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, वहीं एक बार फिर से नई बीमारी के आने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, जिस तरह से कोरोना से अब तक लोग उभरे नहीं, तो वहीं एक नई बीमारी की शुरुआत हो रही है। देखिए, छाती में दर्द होना, खांसी आना, थकान और बुखार होना, ये गंभीर संक्रमण पीड़ित के फेफड़ों पर अटैक करता है और इतना खतरनाक है कि निमोनिया के शिकार बच्चों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, आखिरकार ये बीमारी कैसे फैल रही है। अगर निमोनिया के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें बलगम और बिना बलगम के साथ होने वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत होना। लेकिन अगर इस फैले रहमस्य निमोनिया की बात करें तो इसके लक्षण में बिना खांसी के तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन शामिल है। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल दवाओं की मदद से इस निमोनिया का इलाज किया जा सकता है और संक्रमण से ठीक होने के लिए व्यक्ति को कुछ हफ्तों से लेकर एक महीने तक का समय लग सकता है। देखिए, एक बार फिर से नई बीमारी के आने की आशंका जताई जा रही है और इस बार भी इस नई बीमारी की शुरुआत चीन से हुई है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चों में इस रहमस्य बीमारी निमोनिया के लक्षण जैसे फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत के साथ खांसी और तेज बुखार दिखाई दे रहे हैं। बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि सरकार ने यहाँ स्कूल बंद करने की तैयारी कर ली है और इस बीमारी के लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते हैं। लेकिन इसके कुछ लक्षण निमोनिया से बिल्कुल अलग है और WHO ने भी इस बीमारी को लेकर अब चेतावनी जारी कर दी है। निमोनिया फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस या कवक के कारण होने का एक संक्रमण है। निमोनिया के कारण फेफड़े के उत्कों में सूजन होती है और फेफड़ों के तरल पदार्थ या मवाद पैदा हो सकता है और इस संक्रमण का सामना बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा करना पड़ता है और इससे जान जाने का खतरा भी बना रहता है। निमोनिया के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर होते हैं और 2022 में IWHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई और अफ्रीकी देशों में इस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हालांकि जिस तरह से कोरोना आया था, देश में पूरा तबाह कर दिया था, वापस से कहा जा रहा है कि चीन से ही इस बीमारी की शुरुआत हुई है और चीन में अब अस्पतालों में अगर देखा जाए तो अस्पतालों में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और एक भी बेड खाली नहीं है। यानी कि आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आ सकती है।